हेलो एवरीवन, माय नेम डॉक्टर शिराज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक जो है वो है आउटपुट प्रेशर की। मेरी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो स्पेसिफिकली आज है थर्ड ईयर के स्टूडेंट। उनको ये टॉपिक इसलिए देना है क्योंकि वो थर्ड ईयर लेवल के ऊपर जब उनका जो पहला इंटरेक्शन पेशेंट से होता है वो होता है स्केलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो राइट टाइम है स्टूडेंट को गाइड करने का और पेशेंट को गाइड करने का के ब्रश किस तरह से किया जाता है दांतों में, क्या रिकमेंडेशन है। फिर ये स्टूडेंट्स आप लोग मेरी इस एडवाइस को और इस रिकमेंडेशन को थ्रू आउट अपने करियर में याद रखेंगे ना। तो राइट टाइम पे राइट चीज अगर स्टूडेंट्स को बता दी जाए ताकि उनको बाद आगे चल के कॉम्प्लिकेशन ना हो ना प्रॉब्लम हो। हाउ टू ब्रश योर टीथ के पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करें तो स्टूडेंट आपने पेशेंट्स को गाइड करना है कि आपने दिन में कितनी मरतबा ब्रश करना है और कितनी देर तक ब्रश करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं दिन में टू टाइम मिनिमम ब्रश आप पेशेंट को आप लोग एडवाइस करें 30 सेकेंड पर क्वाड्रेंट के हिसाब से, मीन्स टू मिनट ट्वाइस अ डे और 30 सेकेंड पर क्वाड्रेंट। पेशेंट को आप गाइड करें कि आप ओरल कैविटी में 4 क्वाड्रेंट्स को उनको गाइड कर दें कि 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दें ओरल कैविटी को, जैसे आप तो स्टडी में करते हैं अपर राइट क्वाड्रेंट, अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट, लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट और लोअर राइट क्वाड्रेंट। और पर क्वाड्रेंट में पेशेंट्स को गाइड करेंगे 30 सेकेंड पर क्वाड्रेंट के टाइम से आप लोग में ब्रश करना है। ये रिकमेंडेशन जरूर दीजिएगा कि सुबह मॉर्निंग में चाय के बाद यानी कि ब्रेकफास्ट के बाद और रात सोने से पहले ब्रश करना हो। जो इसके स्टेप्स हैं, अब क्वेश्चन आ रहा होता है कि ब्रश कैसे करें, जो उसके स्टेप्स हैं 6 स्टेप्स हैं और वो स्टेप्स हैं। नंबर 1 पे प्लेस योर टूथब्रश अगेंस्ट योर गम एट 45 डिग्री, मूव द ब्रश बैक एंड फ्रंट जेंटली। और तो ये आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंट को, अगर आप लोगों के पास मॉडल है तो मॉडल में आप टूथब्रश को एक उनको प्लेस करके बता दें, कोई भी आप लोग क्वाड्रेंट लाइट राइट या लेफ्ट ले लें और पेशेंट को गाइड कर दें कि 45 डिग्री के एंगल पे आपने टूथब्रश को रखना है और जेंटली इसको जो है आपने मूव करना है। ठीक हो गया, ये एक फर्स्ट स्टेप पे आपने ये बताना है। सेकेंड स्टेप पे आपने स्टूडेंट पेशेंट को गाइड ये करना है ब्रश द आउटर सरफेस ऑफ द टूथ, जैसे इसमें आउटर सरफेस ऑफ द टूथ आप लोगों को दिख रहा है, ये आउटर सरफेस, इस तरह आपने दांतों की आउटर सरफेस को साफ करना है, ब्रश द आउटर सरफेस। इसके बाद थर्ड स्टेप पे आपने ये बताना है कि खाली आउटर सरफेस की एरिया को साफ नहीं करना, ज्यादातर पेशेंट जो आउटर सरफेस में रगड़ के ब्रश कर लेते हैं और कहते हैं कि हमारी ब्रशिंग हो गई। एज अ डेंटिस्ट आपकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट को प्रॉपर गाइड करें, उससे बोले कि लिंगुअल साइड मोर प्रोन टू कैल्कुलस डिपोजिशन होती है, तो आपने लिंगुअल साइड पे ब्रश को प्लेस करके इनर टू सरफेस से भी साफ करना और उनको एंगल भी दिखाना, जैसे मैंने आप लोगों को इस पिक्चर के अंदर दिखाया ब्रश का इनर टू सरफेस। इसके बाद आप लोगों ने चिक सरफेस के ऊपर आपने ब्रश को प्लेस किया और आपने पेशेंट को गाइड किया, फोर्थ स्टेप में कि आपने चोइंग सरफेस को भी जो है ब्रश करना है। पेशेंट नॉर्मली चोइंग सरफेस से तो करता है लेकिन जो एरिया है वो मिसिंग होता है पेशेंट का, लिंगुअल साइड। और एक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आप लोगों का 6th स्टेप में बताऊँ। तो एक एरिया जो होता है 5th एरिया के ऊपर पेशेंट जो है यहाँ पे पैलेटल एरिया और लिंगुअल एरिया के ऊपर जो है वो ब्रश नहीं करते, तो आप एज अ डेंटिस्ट आपने 3 एरिया को तो जरूर पेशेंट से फोकस करवाना है, लिंगुअल साइड, पैलेटल साइड और टाइम के ऊपर। यहाँ पे आप लोगों को बताना है 5th स्टेप में बताना है यूज द टिप टॉप पार्ट ऑफ द ब्रश, क्लीन द इनसाइड सरफेस ऑफ द टॉप एंड बॉटम, जेंटल एंड अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन के ऊपर जो मोशन होगी पेशेंट की इनसाइड सरफेस ऑफ द टॉप एंड बॉटम फ्रंट टीथ के ऊपर होंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जो है अप एंड डाउन की तरफ अपने मोशन के साथ ब्रश करना है। तो ये एडवाइस आपने देनी है। लास्ट में पेशेंट को डेफिनेटली जो है गाइड कीजिएगा टंग के ऊपर, उनको ये बताइए कि जो ओरल कैविटी में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ और या बैक्टीरिया जो रहते हैं, मतलब जहाँ बैक्टीरिया की जो सेंटर बनता है वो ओरल कैविटी के अंदर टंग होती है,
तो आपने जो ओरल कैविटी में जो टंग के ऊपर ब्रश करना है वो आप लोगों ने उसको उसकी जो एडवांटेज है वो बेसिकली ये है कि ब्रश योर टंग विच में हेल्प रिमूव बैक्टीरिया एंड फ्रेश योर टीथ। तो टंग के ऊपर पेशेंट्स नहीं करते हैं, आपने गाइड करना है कि बहुत उसको जेंटली से क्लीन करें क्योंकि बैक्टीरिया जो सबसे ज्यादा ओरल कैविटी में होता है वो टंग के ऊपर होते हैं। तो ये छोटा सा एक लेक्चर था, बहुत शॉर्ट लेक्चर था, 5 से 6 मिनट का। तो उम्मीद है कि आपको वो आइडिया होगा हुआ होगा। आप एज अ स्टूडेंट और एज अ यंग डेंटिस्ट जो बनने जा रहे हैं वो आप पेशेंट को प्रॉपर ब्रश ब्रश की इंस्ट्रक्शन गाइडेंस दें, क्योंकि ये जो गाइडेंस है ये मैंने अपनी नहीं ली है, इसके जो साइट इंस्ट्रक्टर से ही मैंने गाइड लिया है। एडीए की रिकमेंडेड डायग्राम है और गाइडेंस है और इसका रेफरेंस मैंने आप लोगों को शो कर दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत शॉर्ट सा लेक्चर जो है अच्छा समझ में आया होगा। इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को टूथपेस्ट के काउंटर में से भी दूंगा। बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, पेशेंट आप लोग से ओपीडी में आके करते हैं, तो मैं आप लोगों को पेशेंट्स के काउंटर में से टूथपेस्ट की भी गाइडलाइन आप लोगों को दे दूंगा कि कौन से टूथपेस्ट किस वक्त किस कंडीशन में आप लोगों ने रिकमेंड कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, बेल का आइकन दबा दें, शेयर करें और हैव अ नाइस डे। थैंक यू।